नमस्कार दोस्तों, पी के सबसे क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2019 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, फाइनली आज 22 तारीख है और आज पेमेंट का आखिरी डेट है। 21 तारीख को जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा था और फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और लगभग एक सीट पर कितने कैंडिडेट जो है लड़ाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल जो है रजिस्ट्रेशन का जो है डेट समाप्त हो चुकी है, 21 तारीख थी। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन टोटल कितना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2019 और टोटल रजिस्ट्रेशन जो है मैं 4 बजे तक का बताता हूँ डाटा आपको, 11,85,039 रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है यह कॉमन होता है, यानी जो है पोस्ट कोड होता है, समीक्षा अधिकारी का पोस्ट कोड 1 है। और इसके बाद जो है यदि आप देखेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट वाला जो है उसका जो है पोस्ट कोड 6 है। तो इसको आप हटा देते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी आप यहाँ देख सकते हैं तो 1,85,039 रजिस्ट्रेशन हुआ है। शाम को 4 बजे तक है, यदि मैं इसको लगभग मान लेता हूँ कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। याद रखिएगा मैं रजिस्ट्रेशन की केवल बात कर लेता हूँ कि यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें कितना फेक रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कितने पे जो है कुछ कैंडिडेट जो है फीस नहीं जमा करेंगे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चले हम लोग इसमें पूरी बात कर लेते हैं। हम लगभग मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो टोटल हुआ है वह 2 लाख हुआ है। यदि हम इसको मान लेते हैं कि टोटल जो है 2 लाख रजिस्ट्रेशन में लगभग 75,000 दोस्तों यहाँ पे जो है फेक रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस नहीं जमा होगी 75,000 में मांग लेता हूँ। तो आप देखेंगे टोटल जो है 1,25,000 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से देखेंगे 2 लाख रजिस्ट्रेशन में 75,000 में निकाल देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फेक है, यानी इस पर जो है फीस जमा नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1,25,000 जो है टोटल रजिस्ट्रेशन होगा जिस पर फीस जमा है जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल सीट कितनी है समीक्षा अधिकारी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 132 केवल 132 सीट है। तो 1,25,000 में 132 का आप डिवाइडेड करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट जो है फाइटिंग में है। तो हम एक देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि लगभग जो है एक सीट पे 900 कैंडिडेट लगभग मैं देख लेता हूँ, 943 आ रहा है। तो हम 900 मान लेते हैं तो एक सीट पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फाइटिंग है, 900 कैंडिडेट जो है एक सीट पे फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और कैंडिडेट की संख्या बहुत अधिक है। चूँकि आपको पता है कि इस बार जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत कम वैकेंसी आई है समीक्षा अधिकारी की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक सीट पे लगभग 900 कैंडिडेट जो है फाइटिंग करेंगे। इसका एग्ज़ाम भी 1 महीना के बाद जो है जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा आप लोग को डेट। और मैंने आपको बता दिया था कि इसका सिलेबस क्या क्या है। यदि सिलेबस में आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। और उसके साथ साथ पिछले जो है साल 2016 में किस जो है टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं सारा टॉपिक आपको बता दिया हूँ कि जो है विज्ञान से इतने क्वेश्चन आए थे या जो है GK से इतने क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से इतने क्वेश्चन आए थे, मैं सारा चीज़ आपको उस वीडियो में बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब, इसी पर से आपको अपडेट मिलता रहेगा। यदि कोई अन्य दोस्तों आपका कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। धन्यवाद।